भाई आज मुझे कूप लाई है गन्ने के खेत में, गन्ने के खेत में कूप लाई है, मेरा वाला गन्ना छोटा पड़ जाएगा। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भोसड़ी के तरह टाइम खराब है। हाँ और इतना जीनियस लड़के पर गुस्सा कर रहा है। हाँ तो आपकी साइज क्या है, मतलब कि आपकी हाइट क्या है? जी 7 इंच। सॉरी सॉरी मेरे का मतलब 5 फीट 7 इंच। हाँ तो अपना खड़ा करिए, मतलब खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। तो आप थोड़ा घूम जाइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। तो लंबा है आपका? नहीं नहीं आप लंबे कद के हैं, तो आपका हाइट हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें जब जब चाहिए आप दे दोगे ना? मतलब टाइम देना पड़ेगा हमारे कंपनी को, आप टाइम देंगे हमारे कंपनी को तभी हमारा ग्रोथ कर पाएगा कंपनी। हाँ तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी डिग्री क्या है और किस चुतिया यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री प्राप्त किया? अरे भोसड़ी वालों मेरा लोहड़ा विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किया है। ये किस राज्य में पड़ता है? पॉइंट वाली बात बोला। बेटी चोदो तुम लोग यहाँ पे नौकरी उकरी देने नहीं बैठे हो, साले मैं सब समझ गया तुम लोग यहाँ पे गान मारने के लिए बैठे हो। बिल्कुल सही जवाब। राइट राइट यू आर राइट। और हाँ रिज्यूम की माँ की भोसड़ा। निराश क्यों हो रहे हो? अर्ज किया है। वाह 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 वाह। श्रीके सुन तो ले पहले, एक बंदे के चले जाने से जिंदगी बेकार नहीं होती। वाह 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 वाह। एक बंदे के चले जाने से जिंदगी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वाह 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 वाह। नमस्कार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोगों की तरफ से वही जो तुमने अभी बोला। हां बिल्कुल। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम झांसों का राजा है। झांटों का राजा? हाँ तो झांटों का राजा जी। मैं भोसड़ी के मेरा नाम झांसों का राजा है, झांसों का ना कि झांटों का राजा। हाँ तो झांटों का राजा जी। सॉरी 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 झांसों का राजा जी, जरा अपने नाम के पीछे का रीजन बताएंगे? आओ चलो फिर कोने में चलते हैं। अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो कहाँ से आए हैं आप? वही से जहाँ से सब आते हैं। मतलब इंडिया से। तो झांटों का राजा जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर। मान लीजिए राजा जी आपकी नौकरी पक्की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको फ्यूचर में क्या दिख रहा है? मुझे फ्यूचर में अव्वल दर्जे का 3 सुअर नजर आ रहे हैं। भाई साहब जो पहला वाला सुअर है बिल्कुल सफेद वस्त्र में सुअरों के कबीले का सरदार लगता है, और भाई साहब ठीक उसके बगल वाला ये गण का अंदर महान चूतिया है। भाई साहब ये जो तीसरा और अंतिम सुअर जो बिल्कुल ना मुराद वाहियात नलायक और नाबालिग सुअर। हाँ तो कुल मिलाकर बात ये है कि किस चूतिया ने तुम्हारा नाम झांसों का राजा घोषित किया? देखिए आप अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें। चला जा यहाँ से भोसड़ी के झांटों का राजा, नहीं तो ऊपर से नीचे तक तुझे इसी तलवार से छील दूंगा। चल निकल यहाँ से। सर सर शांत हो जाओ प्लीज सर, आपको आपकी शर्मिली की कसम। अरे यार किसकी कसम दे दी तूने? नेक्स्ट। सब बच्चा लोग को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आप हमारे कंपनी के लिए क्या कर सकते? सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन को ढूंढूंगा। वो क्यों? सबसे पहले मैं इस कंपनी के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप सीसीटीवी फाइलें। पर ये सब तो हमारे कंपनी के पास ऑलरेडी है। अरे भसड़ी वालों ये सब तो मैं बेचूंगा। हाँ
हाँ तो तुम सारा सामान कंपनी का बेच देना और कंपनी फिर जो तुम्हें बाद में मुंह में देगी उसका क्या ले लोगे? मुंह में क्यों, मैं खुद झुक के ले लूंगा। निकलो भोसड़ी के, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं नौकरी के लिए। मेरा बड़ा भाई 2 मर्डर कर चुका है और मेरा छोटा भाई 5 और यहाँ पे 1, 2। भैया से आगे तो हो ही जाऊंगा मैं। अरे भैया जी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे भैया जी, आप बुरा मान गए। अरे भाई, इन भैया का रिज्यूम लो, पूरा बायोडाटा लो। कसम से बोल रहे हैं कि भैया जैसा कंपनी का वर्कर्स कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका शुभ नाम क्या है? ओलाराम। आपके पिताजी का क्या नाम है? झोलाराम। आप कहाँ से हैं? टाटनगर। टाटनगर सेक्स देखे तो बहुत बार हैं, लेकिन किए एक बार भी नहीं है। क्या बक रहा है ये आदमी? अगर मौका मिल गया ना, शिकायत नहीं होने देंगे, कसम से बता रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है? चलिए मेरे साथ, आप लोग चलिए मेरे साथ। अरे नहीं भैया, भरोसा है भैया, भरोसा है। चलिए आपको, चलिए मेरे साथ आप लोग। भैया, गर्मी का एहसास।